हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी त्रिपल से जेई की ये तीसरी वीडियो रहने वाली है। दो वीडियो हम बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपी त्रिपल से जेई को की तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पूरा डिटेल मैंने दिखाया था, और एक हिंट भी दिया था कि नए वीडियो में आपको उसका सलूशन मिलने वाला है, जो कि रहता है पिक्टोरियल फॉर्म की के क्वेश्चन। डायरेक्ट पिक्चर फॉर्म में दे देगा या ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन पिक्चर फॉर्म में दे देगा। लास्ट वाली वीडियो जो आपने देखी थी उसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट में जाके मैंने इसलिए थंबनेल पर ही लिख दिया था कि लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो उसके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एसएससी से यूपी त्रिपल किस प्रकार डिफरेंट है, या अन्य जेई एग्जाम्स से यूपी त्रिपल क्यों डिफरेंट है, उसके पीछे क्या रीज़न रहने वाला है, उसके लिए हम सोल्यूशन आपके लेकर आए हैं कि आपको क्या पढ़ें कि आपको उन सब क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है। बैक हु आपने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं है, केवल एक ही नाम सुना होगा, जेसीबी, जो कि योगी जी की वजह से फेमस हो चुका है। तो ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन का अध्ययन करने के लिए यूथ पब्लिकेशन ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि यूपी त्रिपल सी पहले हम पिक्टोरियल लॉन्च कर देंगे। तो 7 बुक्स आ चुकी हैं, जो मैंने कल आपको एक कवर पेज में दिखाया होगा, ये 7 बुक्स रहने वाली है। इसका फुल वीडियो देखेंगे, उसके पहले आप लोगों के लिए यह इन्फॉर्मेशन, अगर आप कर रहे हैं AJEE एग्ज़ाम की तैयारी तो PW की तरफ से बहुत ही बेहतरीन बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आती रहती थी, तो मैं कुछ बैचेस की जानकारी आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि अभी SSC JEE का एग्ज़ाम होने वाला है, तो SSC JEE का अभ्यास बैच लॉन्च हो चुका है मात्र 999 रुपये में। इसके अलावा अशोका 2.0 भी लॉन्च हुआ है 2999 रुपये में। UPSSC वैकेंसी आई है, उसका JEE बैच लॉन्च हो चुके हैं 1999 रुपये में। RRB JEE का एक्सप्रेस बैच 2024 वो लॉन्च हुआ है 2499 रुपये में। RRB के ALP 2024 बैच लॉन्च हुआ है 999 रुपये में। फतेह बैच CBT 1 एंड CBT 2 लॉन्च हुए हैं 2499 रुपये में। SSC JEE के फाउंडेशन बैचेस हैं वो 2499 रुपये में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा चाणक्य का AJEE VOD आपको मिल जाएगा मात्र 1999 रुपये में। इसके अलावा जितने भी बैचेस आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ये बैचेस आपके SSC JEE, RRB JEE, DDA JEE, UPSSC, NSPC, UPSL, जितने भी AJEE PSO के एग्जाम होते हैं सब में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर और लेटेस्ट सिलेबस पर आपको पढ़ाया जाएगा। लेक्चर्स जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, मतलब बायलैंग्वल होंगे। साथ ही साथ क्लास नोट्स, DPP एंड DPP सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लाइव लेक्चर्स होंगे वो इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा PW एप्लीकेशन में आपको मिलने वाले हैं। डाउट इंजन आपको मिलने वाला है, जो स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशन करने के लिए। इसके अलावा सबसे बेहतरीन AJEE खजाना आपको मिल जाएगा 1499 रुपये में, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा PW एप्लीकेशन पे, और DPP और DPP सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं EG200, जिसमें आपको 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और जितने बैचेस मैंने बताए हैं इन सभी बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड है EG200, जिसमें आपको 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस पिक्टोरियल सीरीज में टोटल 7 बुक्स रहने वाली है। मैं एक एक बुक्स को अभी दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक मिनट की एक वीडियो सब पिक्टोरियल की ऐड कर दूंगा, जो इसके अंदर स्टडी मटेरियल रहने वाले ना पिक्चर फॉर्म में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहली जो बुक रहने वाली है, इसमें आपको BM और BCM दोनों मिलने वाला है। इसके अलावा Volume 6 जो है उसमें आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिलेगा, पूरा एक ही बुक रहने वाला है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए। फिर तीसरी बुक जो है Volume 5, इसमें आपको मिलने वाली है SOM, रेलवे एंड अप्लाइड, जो आपके मैकेनिक्स है वो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा ये Volume 4 है, Volume 4 में आपको फ्लूड मैकेनिक्स, इरीगेशन और हाइड्रोलॉजी मिलने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके सॉइल मैकेनिक इंस्टीमेशन एंड वैल्यूएशन आपका रहने वाला है, और Volume 7 में आपको जो सबसे अच्छी इस समय है CT, RCT और आपके स्टील स्ट्रक्चर, और आपके यहाँ पे एक जो बच्चा सॉइल इन सर्वेइंग हाईवे इंजीनियरिंग, ये आपके 7th Volume में रहने वाली है। तो टोटल
सात वॉल्यूम्स रहेगी। अभी एक एक मिनट का क्लिप भी आपको 7 मिनट का लास्ट में देखने को मिल जाएगा। पहले उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, सभी बुकों में क्वेश्चंस के आपको फिगर के बाद क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि इससे इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं। तो कि जो कोई भी एग्जाम हुआ हो जहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हों, पिक्चर फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हों, इसमें उसके डिटेल भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। हर चैप्टर में डिटेल के साथ मिल जाएगा, एक नया तरीका आपको पढ़ने का मिलेगा, रिविज़न करने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट, उसके बाद इस बुक पर आइएगा। ऐसे ही नहीं कि मैंने बता दिया कि पिक्टोरियल वाली क्वेश्चन आते हैं, 5, 6, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, तो आप पिक्टोरियल लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं, पिक्टोरियल लो, लेकिन उसके पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब ये जो नहीं कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट दो तरीक़ों से क्लियर होगी, पहला है सेल्फ स्टडी, दूसरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर इसके बारे में चर्चा करने लगूँगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो अगले वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि यूपी TRIPSC की तैयारी हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, और कोचिंग कौन सी कोचिंग क्या फीस ले रही है, कितना पढ़ा रही है, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, पिक्टोरियल फॉर्म में क्लियर चीज़ें रहने वाली हैं। अब 7 मिनट का और वीडियो आगे देखिएगा, हर एक सब बुक को मैंने 1 मिनट के वीडियो में बनाकर आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। और ये बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये आप इसकी जो प्रिंट प्राइस रहने वाली सभी को मिलाकर 1155 रुपये की रहने वाली है। मेरे पास आपको ये 700 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगी। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप इसका ऑर्डर मंगा सकते हैं, नहीं तो आप यूथ पब्लिकेशन वेबसाइट से मंगा सकते हैं। और इतना पैसा नहीं है आपके पास तो आप ई बुक फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी बुक मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, वहाँ पर जाकर ई बुक फॉर्मेट में आप बुक पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का नाम है YCTPublication.com, वहाँ से जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिनको लगता है नहीं यार मैं बुक खरीद सकता हूँ, तो आप अपना एड्रेस भेज देना, मैं आपको सेंड करवा दूंगा, नहीं तो ऑफिशियल एप्लीकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो UP TRIPSC के लिए। और जो नया पैटर्न चेंज हो रहा है DD एग्जाम्स वगैरह के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, इंग्लिश में आने वाली है, बट अभी कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही बुक आती है आपको इसी चैनल पर अपलोड करके दिखाया जाएगा। अब आते हैं फुल रिव्यू के लिए, तो मिलते हैं हम रिव्यू वाली वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्टोरियल सीरीज 7 वॉल्यूम्स की रहने वाली है। इसको हम पूरा 1-1 मिनट तक आपको एक बुक दिखाएंगे, इसमें आपको डिटेल्स मिलने वाली है। इसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल और BCME के क्वेश्चंस और उसके फिगर्स आपको मिलने वाले हैं। ये अन्य किताबें हैं सिविल इंजीनियरिंग को, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स कौन कहाँ पे किस पेज पे दिए गए हैं, और ये चीज़ें आपको जैसे ये चट्टान दे दिया जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ऐसी चीज़ें जो अगर आ सकती हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये तो आपके होंगे किसके, बिल्डिंग मटेरियल, मैग्नीशिया कैसे होता है, आयरन ऑक्साइड कैसे होती है, ईंट को पकाना, तृतीय श्रेणी की ईंट, ईंट का फिगर दे दे सकेगा, ये तो फिगर आते रहे हैं हमेशा से, ये वाले मशीन चूने का परीक्षण के लिए मशीन दे देगा, ये आपके सीमेंट के घटक हैं, ऐसा क्वेश्चन ये दे देगा। विनियत BCME में आ गया पेंट वगैरह, ये क्वेश्चन आपको दे देगा यहाँ से। और ये देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है, मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया है, UP TRIPSC 2021 में, ये 2022 को जो DD TRIPSC का एग्जाम हुआ था महाराष्ट्र के WRDJEE में, OPSC 2019 में पूछा गया है, APPSC में, MPPCGL में, UPPCL JEE 2022 में, UP TRIPSC JEE 2021 में, 2016 वाला पेपर हुआ था वो, और ये LMRC JEE 2023 में जो पेपर हुए हैं वो, और 29 अप्रैल को 2023 में जो पेपर हुआ है वो यहाँ पे दिया गया, और उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया गया। एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिगर वाले क्लियर हो जाएंगे। पार्ट टू में BCME स्टार्ट होता है आपको, अब BCME यहाँ से मिल जाएगा, BCME को क्वेश्चन यहाँ पे आप दे सकते हैं, चिनाई वगैरह दे देगा, डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिए गए। ये तो क्या हुआ आपका Volume 1 हो गए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया बट चल जाता है। Volume 2 में आपके क्या है, सर्वेइंग है, और सर्वेइंग के बाद यहाँ पे हाईवे है, तो सर्वेइंग से इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएंगे, गुनिया वगैरह पूछ लिया जाएगा, वो यहाँ पे जितने चीज़ें हो सकती है वहाँ पे पूरा चीज़ें डिनोट किया गया है। सर्वे के बाद हाईवे,
हाईवे का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रिवर्स कर्व वगैरह का चित्र यहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए डी डी ए जे में क्वेश्चन पूछा गया है, एम एच ए डी ए में पूछा गया है, एस एस सी जे में ये फिगर वाले क्वेश्चन, ये एस एस सी जे 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी त्रिपुरा सी जे 2022 में, जो हम 18 वाला हुआ था वो पेपर, साथ ही ये देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैटर्न आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर कितने 43 क्वेश्चन हैं इस सब्जेक्ट से। फिर पार्ट टू में हाईवे से आप देख सकते हैं, हाईवे का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके जो क्वेश्चन हुए हैं, देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है, एस एस जे हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आपको यहाँ मिल डायरेक्शन से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए ओ एन जी सी जे एम पूछा गया है, ओडिशा लिफ्ट में पूछा गया है, ओडिशा में पूछा गया क्वेश्चन, जे एस एस सी में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ओ एन जी सी में पूछा गया, तो यहाँ पे डिटेल आपको ये भी मिल जाएंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। तीसरा में सब्जेक्ट में क्या है, सॉइल मैकेनिक्स एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, उसके यहाँ पर मिल जाएंगे, सॉइल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉइल डायरेक्ट दीजिएगा, सॉइल पहचाननी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, पिलर्स यहाँ पे फुटिंग का क्वेश्चन आ जाता है, एक फुटिंग का क्वेश्चन पूछा भी गया था 2018 वाले में, फुटिंग का क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका भी ध्यान रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, आईएएस 1995 में पूछा गया है, आई एलएमआरसी 2015 में, ओडिशा एडब्ल्यू 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया, ओडिशा का क्वेश्चन है, और इसके अलावा डीडीए जे सिविल का है, ये क्वेश्चन आपके 2022 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था 2022 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसका यहाँ से आपको प्रैक्टिस करें, यूपीपीएससी में आप ए स्टेट इंजीनियरिंग ए में क्वेश्चन पूछा गया, उसका ध्यान रखिएगा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं इस्टीमेटिंग के मिल जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम फॉर्म क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका, ठीक है। ये तो वॉल्यूम फोर हो गया, फिर आपका वॉल्यूम फाइव में क्या क्वेश्चन है आपके, सोम है, रेलवे है, मैकेनिक्स है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, रेलवे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीम दे देगा, लेकिन रेलवे में ज़्यादा चांसेस हैं कि रेलवे में कुछ दे दे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछने का अगर करता है तो यहाँ पर इन चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। गतिशील ट्रेन, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है, सेंटर अब एटी, अब फिर ये मैकेनिक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको दिख भी जाएगा कौन सा क्वेश्चन इस ईयर में पूछा गया, क्या रहने वाला है। फिर आपका वॉल्यूम सिक्स आता है, वॉल्यूम सिक्स में क्या है, पीएचई है, पीएचई तो भाई पीएचई तो कुछ भी बन सकता है, पीएचई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, बट अभी एक ही सब्जेक्ट में चल रहा है तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो पीएचई में खूब क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सीवर वगैरह दे देगा, जॉइंट वगैरह दे देगा, शेप पूछ लेता है, यू शेप, एस शेप, पी शेप, वो पूछ सकता है, ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब फिर लास्ट में आपका वैल्यू सेवन में क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी और स्टील है, तो कंक्रीट में ग्रीन कंक्रीट का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फेरो सीमेंट हो गए, उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, यहाँ पे देखिए उसमें एक पूछा था ना सो वाला क्वेश्चन, कंक्रीट में उपयोग लेने वाली मशीनें कौन कौन सी रहने वाली है, डायरेक्ट मशीन दे देगा, मशीन का उपयोग पूछ लेगा, ये उपयोग देने वाले इस काम के लिए कौन सा मशीन यूज़ करेंगे, बेल्ट वगैरह पूछ लेगा, या आपके जो वाइब्रेटर यूज होते हैं इंटरनल कौन सा है, एक्सटर्नल कौन सा है, प्लेन कौन सा रहने वाला है, टेबल वाइब्रेटर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। या जॉइंट पूछ लेगा, स्टील वगैरह में जॉइंट जो होते हैं वो जॉइंट देकर पूछ लेगा, इसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ फिगर्स के द्वारा सभी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं, फिलेट वेल किस प्रकार का होता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो ये सेवन बुक्स आपको अवेलेबल हो चुकी हैं, नज़दीकी बुक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, या डायरेक्ट गुप्ता जी के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छी लगे वो ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।